हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 61 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। मैंने थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ाया हुआ है एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराया हुआ है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कराया हुआ है एंड इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने 79-80 वीडियोज का प्रैक्टिस कराया हुआ है। बीपीएससी टीआई 2 में प्लेलिस्ट में जाइए, वो सभी वीडियोज को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और 2024 में और फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट का यह 77वां वीडियोज है। दोस्तों, तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए, आपका परीक्षा जो है तय समय पर होगा। आप टेंशन न लीजिए, बस अपना बरकरार रखे रहिए, अपनी तैयारी का इसमें कमी मत कीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कहेगा तो लीवर यानी कि यकृत हो जाएगा। और यदि पूछेगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है तब थायराइड हो जाएगा। सबसे छोटी ग्रंथि की बात करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। और दोस्तों, जब पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं दिया रहेगा तब पूछेगा सबसे छोटी ग्रंथि तो पीनियल ग्लैंड हो जाएगा। एंड अगर पूछेगा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है तो त्वचा हो जाएगा। तो इन सभी में डाउट मत रखिएगा। नेक्स्ट है, टूर्नामेंट कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, टूर्नामेंट चार प्रकार का होता है। नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड चैलेंज टूर्नामेंट। इन चारों प्रकार के टूर्नामेंट के बारे में मैंने डिटेल में अच्छे से शॉर्ट में छोटे वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। आप टूर्नामेंट वाले प्लेलिस्ट में जाकर के चारों टूर्नामेंट के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। नेक्स्ट है, YMCA कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे। तो दोस्तों, YMCA यानी एंगमैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना विश्व स्तर पर बात करें तो 6 जून 1844 में जॉर्ज विलियम ने लंदन में किया था। और उसके बाद अमेरिका में 1863 में स्प्रिंगफील्ड में YMCA प्रशिक्षण की शुरुआत हुआ था। उसके बाद अमेरिका से आए हुए विशेषज्ञ जिसका नाम था HC बक यानी हैरी क्रो बक के द्वारा भारत में चेन्नई मद्रास में YMCA की स्थापना किया गया। और इसके प्रथम प्राचार्य भी बने HC बक। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 1920 HC बक। और HC बक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है। तो दोस्तों, अर्जुन अवार्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिसने पिछले 4 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे प्रदर्शन, खेल भावना, नेतृत्व, अनुशासन का गुण दिखाया हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत जैसे कि ओलंपिक, एशियन गेम, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप तथा अन्य समकक्ष अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आते हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पिछले 4 वर्षों में उसको दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुआ था। वर्तमान में इसमें धनराशि 15 लाख दिया जाता है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख धनराशि दिया जाता है। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, उसी का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जिसका शुरुआत 1991-92 में हुआ था। एंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से शुरू हुआ था, इसमें भी 15 लाख धनराशि दिया जाता है। एंड ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 10 लाख दिया जाता है, 2002 से शुरू हुआ। एंड मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, मौका ट्रॉफी 1956-57 में शुरू हुआ, जिसमें 10 लाख धनराशि दिया जाता है, 15 लाख धनराशि दिया जाता है दोस्तों उसमें आपका माका ट्रॉफी में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से मैं आपको सभी डाउट क्लियर करते चल रही हूँ, आपको कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है।
तो जैसे कि आप जानते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति में रेड ब्लड सेल्स आरबीसी की संख्या 50 लाख यानी 5 मिलियन होता है, जबकि श्वेत रक्त कणिका यहाँ पे पूछा है तो 5000 से 11000 प्रति क्यूबिक मिलीलीटर होता है, तो यहाँ पे 11000 नहीं दिया, 5000 से 9000 दिया है, तो उसको देखते हुए 6000 से 10000 प्रति क्यूबिक मिलीलीटर यहाँ पे राइट होगा। यहाँ पे इसका कंक्लूजन भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो आप सबको पता है इसको इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हेल्थ की परिभाषा क्या है दोस्तों? तो एक कई बार आपने पढ़ चुका है, आपको कंठस्थ भी है, उसका कहना है कि मनुष्य में केवल रोग से निवृत्ति होना ही स्वास्थ्य नहीं है, अभी तो वो शारीरिक मानसिक सामाजिक रूप से भी पूर्ण हो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो कि स्वास्थ्य या निर्बलता का मात्र अभाव, जो स्वास्थ्य है रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है वरन शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। नेक्स्ट है, निम्न में से कुश्ती से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों पैलेस्ट्रा कुश्ती के मैदान को कहा जाता था, मैट और कैनवास शूज, ये तीनों कुश्ती से संबंधित है बट हॉल नहीं है, ठीक है, हॉल नहीं है। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या कितनी होती है? ये सबको कंठस्थ है, हर बार आ भी जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को गलती कभी मत कीजिएगा। छल्लों की संख्या 5 होती है, नीला पीला काला हरा लाल, ठीक है, और ये बाएं से दाएं होती है, याद रखिएगा। नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक। ये पांचों छल्ले 5 महाद्वीप के प्रतीक हैं जो दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? सबसे मोस्ट होता है कैल्शियम, एंड इसके साथ साथ फास्फोरस भी होता है, बट सबसे ज्यादा कैल्शियम आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? अभी जस्ट बताई हूँ, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक या कोच को दिया जाता है या गुरु को, ठीक है, 1985 से इसकी शुरुआत हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, दोस्तों सबको मालूम है, थॉर्नडाइक ने दिया था, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, इन्होंने कहा कि कार्य को छोटे छोटे पार्ट में करके सीखने से इंसान जल्दी सीखता है, और करते रहो, त्रुटि करते रहो, उसमें सुधार करते रहो, आप सीख जाएंगे, यानी ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती है? तो दोस्तों आप डेली बेसिस से अपने आप को स्वच्छ क्लीन रखेंगे तो आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण होगा, वैचारिक स्थायित्व प्रदान करती है, उपरोक्त दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट दोस्तों, मुख्य संवेदी अंग यानी कि जो सेंसरी ऑर्गन्स ऑर्गन्स हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कौन कौन सी होती है? 5 होती हैं, कान नाक त्वचा जीभ नेत्र, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेत्र कान नाक त्वचा, यहाँ पे जीभ नहीं दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, बास्केटबॉल मैच की शुरुआत कैसे होती है? तो दोस्तों बास्केटबॉल मैच की शुरुआत जो है वह जंप बॉल से होती है, लेकिन एक शुरुआत में जंप बॉल से होती है, उसके बाद मैच का जंप बॉल से शुरू होता है बास्केटबॉल का, पर नए नियम के अनुसार अन्य क्वार्टर में, एक बार मैच शुरू हो गया तो अन्य क्वार्टर में पहुंचने के बाद वह कॉमन फॉल में मैच थ्रो इन से शुरू होता है। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है या परिभाषा किसने दी है? तो इस परिभाषा को दिया है V.N. झा ने। नेक्स्ट है, भोजन के मुख्य कार्य क्या हैं? तो मुख्य कार्य की बात कर रहा है, तो भोजन का मुख्य कार्य है नई नई कोशिकाओं को बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। नेक्स्ट दोस्तों, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? मैंने इस भी बात को भी कई वीडियो में बताया हुआ है कि कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों के यानी पोषक तत्वों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ऊर्जा देने वाले, दूसरा निर्माण करने वाले, तीसरा रक्षा करने वाले। ऊर्जा देने वाले में कार्बोहाइड्रेट एंड वसा आता है, और शरीर का निर्माण करने वाले, टूट फूट मरम्मत करने वाले, प्रोटीन, एंड शरीर की रक्षा करने वाले, रोगों से रक्षा करने वाले,
विटामिन्स एंड मिनरल्स यानी कि खनिज लवण आते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का सबसे मुख्य स्रोत है सूर्य की रोशनी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल और विटामिन डी को एंटी रिकेटिक विटामिन, नेचुरल विटामिन, किडनी हार्मोन भी बोला जाता है। इसमें दो मुख्य माना जाता है विटामिन डी टू एंड डी थ्री। विटामिन डी टू को अर्गो कैल्सिफेरॉल और डी थ्री को कोले कैल्सिफेरॉल बोला जाता है। विटामिन डी टू जिसे अर्गो कैल्सिफेरॉल बोला जाता है, डी टू की कमी से टिटेनी यानी अस्थियों में ऐंठन हो जाता है। एंड विटामिन डी थ्री जिसे कोले कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, जो सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी थ्री, और विटामिन डी थ्री की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस एंड टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेन क्या है, तो मैं आपको कई वीडियो में बार बार बता चुकी हूँ, स्ट्रेनम ऐसे बोलिए, यानी कि मसल्स, मांसपेशी और टेंडन का जो फटना या खिंचाव क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। वहीं पे कहता कि स्प्रेन क्या है, तो स्प्रेन यानी मोच, लिगामेंट का टूटना या फटना या खिंचना स्प्रेन कहलाएगा। टेंडन जो है कंकाल मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, जो कि लिगामेंट जो है दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है। नेक्स्ट है शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में कौन मदद करता है दोस्तों, तो मूल्यांकन इवोल्यूशन के द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि अब कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है और इसमें क्या क्या कमियां होंगी, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल खेल के जन्मदाता कौन है दोस्तों, आप सबको पता है कि बास्केटबॉल खेल के जन्मदाता कौन है, तो जेम्स नेस्मिथ है। इन्होंने अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में 1891 में जेम्स नेस्मिथ ने बास्केटबॉल खेल की खोज किया था, जबकि वॉलीबॉल की खोज किसने किया था, विलियम जी मोर्गन ने 1895 में। ये दोनों चीज पूछा जाता है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है दोस्तों, तो बास्केटबॉल कोर्ट की माप होती है 28x15 मीटर। कितना होता है 28x15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता यानी कि सर्वदाता बोला जाता है दोस्तों, तो रक्त वर्ग ओ को बोला जाता है। लेकिन अब पॉजिटिव नेगेटिव पूछ देगा तो आप फंस जाएंगे, इसलिए जब पॉजिटिव नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव दिया रहेगा तो ओ नेगेटिव जो है सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रहेगा, और रक्त वर्ग ए भी जो है सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। नेक्स्ट है घर से बाहर तंबू तथा झोपड़ियों में रहने वाले को क्या कहते हैं, तो इसको शिविर बोला जाता है। नेक्स्ट रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन है, भी जस्ट बताई हूँ कि ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट में वसा होता है, एंड शरीर का निर्माण और टूट फूट मरम्मत करने के लिए प्रोटीन होता है, और रोगों से सुरक्षा शरीर की देखभाल करने के लिए विटामिन एंड खनिज लवण होते हैं, तो यहाँ पे विटामिन एंड खनिज लवण राइट होगा। नेक्स्ट है सीखना कौन सी प्रक्रिया है, तो दोस्तों सीखना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, सबसे लंबी और भारी अस्थि है फीमर यानी कि जांग की, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, फीमर यानी जांग की। नेक्स्ट दोस्तों एक स्वस्थ शरीर का तापमान कितना होता है, अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, तो यहाँ पे 98.4 डिग्री दिया है, तो ये भी राइट होगा। नेक्स्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से किसको दिया जाता है, 3-4 पूछ दिया है इस क्वेश्चन को, यहाँ पे कहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से किसको दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेसर कर्ण सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों CTS का क्या अर्थ है, तो दोस्तों ओलंपिक मोटो की बात करें तो वर्तमान में ओलंपिक मोटो 4 हो गए हैं, पहले था CTS RTS 4TS, लेकिन अब इसे बोला जाता है CTS RTS 4TS Communitaire, यानी कि फास्टर हायर स्ट्रांगर टुगेदर, यानी अब हिंदी में बोल सकते हैं और तेज और ऊंचा और बलशाली एक साथ, तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा CTS यानी कि फास्टर यानी और तेज दौड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्प्रेन एवं स्ट्रेन का प्राथमिक इलाज किस विधि से किया जाता है? जो भी एथलेटिक प्रकार के चोटें हैं दोस्तों, स्प्रेन स्ट्रेन इस सबकी इलाज के लिए RICE पद्धति अपनाई जाती है, जिसे थंब रूल भी कहा जाता है। प्राथमिक उपचार के लिए R से हो जाएगा रेस्ट, I से आइस यानी बर्फ का प्रयोग करना, C से कंप्रेशन यानी दबाव डालना, E से इलेवेशन यानी हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक प्रतियोगिता इसमें से कौन है? तो दोस्तों इसमें से ये सभी फील्ड प्रतियोगिता है, जबकि मैराथन जो है वो ट्रैक प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा व म्यूकस झिल्ली पर स्क्रेप यानी रगड़ लग जाना क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसके हम एवरेजन कहते हैं, इसके साथ साथ इसको टॉप बर्न, मेट बर्न, स्ट्रॉबेरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, खो खो मैदान की माप क्या है? तो दोस्तों पहले 28x16 होता था, 29x16 होता था, बट वर्तमान में इसका माप है 27x16 मीटर। यहाँ पे आपको डिटेल में दिया गया है कि नए नियम के अनुसार खो खो मैदान की माप 27x16 मीटर हो गई है, जिससे जो फ्री जोन होता है वो 1.50 मीटर चौड़ा एंड खंभे से जो पहला सीटिंग ब्लॉक होता है वो 2.55 मीटर एंड अन्य सीटिंग ब्लॉकों के मध्य की आपस में दूरी जो है 2.30 मीटर होती है एंड सीटिंग ब्लॉकों की जो चौड़ाई होती है 0.35 मीटर होती है। नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास करना, यानी कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर क राइट होगा। नेक्स्ट है, अभ्यास शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है? तो दोस्तों अभ्यास का नियम के अंतर्गत कौन आता है? तो अभ्यास में क्या होगा, उपयोग अनुपयोग। आप किसी चीज का उपयोग करेंगे, अभ्यास करेंगे तो वो आपको याद रहेगा एंड अगर उसको अभ्यास करना छोड़ देंगे तो आपका विस्मित हो जाएगा, यानी कि सीखे गए कार्य का नियमित उपयोग से अनुक्रिया या उद्दीपन का संबंध मजबूत होता है, यानी बार बार दोहराने से वह अधिक प्रभावपूर्ण और स्थायी बन जाता है। उसका उपयोग बंद कर देने से सीखा गया कार्य धीरे धीरे विस्मित यानी भूल जाता है। यह अभ्यास के नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अभ्यास शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है उपयोग और उपयोग के नियम पर। उपयोग करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और कंठस्थ होता जाएगा और मजबूत होते जाएंगे। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम के अंतर्गत लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम दिया था, जिसमें से अभ्यास का नियम को उपयोग या अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, गति के विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? गति विज्ञान यानी किनेसियोलॉजी के जनक हैं अरस्तु। नेक्स्ट है, लोगों को खाली समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको मनोरंजन कहते हैं। ये मनोरंजन और सीढ़ी दोनों में कंफ्यूजन रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे खाली समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए जो प्रशिक्षित करना होता है उसे शिविर भी कह सकते हैं, मनोरंजन भी कह सकते हैं, बट दोनों ऑप्शन दिया रहता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ मनोरंजन माना गया है तो इस चीज़ को मैं एक अलग से वीडियो में कन्फ्यूजन दूर करूंगी, तो यहाँ पे मनोरंजन ही राइट करते हैं। नेक्स्ट है, सीखने की स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? सीखने का स्थानांतरण क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण मतलब पहले के सीखे गए कार्य के आधार पर अगर नए कार्य को हम सीख रहे हैं तो पहले का सीखा गया कार्य नए कार्य सीखने में सहायता करता है, तो उसे सीखने का स्थानांतरण करते हैं। तीन प्रकार का होता है सीखने का स्थानांतरण, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। यदि पहले से सीखा गया कार्य नए कार्य सीखने में सहायता करता है तो वह धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। यदि पहले का सीखा गया ज्ञान नए कार्य सीखने में सहायता नहीं करता, बाधा डालता है, तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। यदि पहले का सीखा गया कार्य नए कार्य सीखने में न बाधा उत्पन्न करे न सहायता करे तो उसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। तो सीखने के स्थानांतरण के लिए समान तत्वों का होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे टेनिस का बैडमिंटन में, यहाँ समान तत्वों का सिद्धांत राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना, उन्हें प्रोत्साहन करना क्या कहलाता है? तो यह एक प्रकार का नेतृत्व का गुण है।
नेक्स्ट है कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी है, तो अस्थायी 20 होता है, स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, 3-4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोरल, मोरल। नेक्स्ट दोस्तों एनएससीएनआईएस का पूरा नाम क्या है, तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इसका पूरा नाम है। 7 मई 1961 को इसकी स्थापना पटियाला में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो दोस्तों हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो दो प्रकार के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील एंड वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील आप सबको पता है बी सी और एच होता है, उसके अलावा सभी वसा में घुलनशील होते हैं, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो विटामिन बी सी और एच जल में घुलनशील होता है, उसके अलावा वसा में घुलनशील। तो मैंने आपको बताया हुआ है ट्रिक, कीड़ा, KEDA कीड़ा, ठीक है। तो कीड़ा को आप वसा में जलेंगे तो घुल जाएगा, जबकि जल में जलेंगे तो नहीं घुलेगा। तो कीड़ा KEDA यानी कि ADE यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, वसा में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट है स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा क्या है, तो स्किनर जो है वो आपके मोटिवेशन को मेन मानते थे, यानी कि आपके अंदर प्रतिभा होना चाहिए, चाह होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए सीखने की। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये आपकी उनकी परिभाषा है। नेक्स्ट है वातावरण का क्या अर्थ है, तो दोस्तों ईए रास के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट है लीग प्रतियोगिता किसे कहते हैं, तो दोस्तों लीग प्रतियोगिता को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है, याद रखिएगा लीग प्रतियोगिता को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक टीम को अन्य सभी टीमों के साथ खेलने का अवसर दिया जाता है, और लीग राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को सर्बिया भाषा में बर्गर सिस्टम भी बोला जाता है। और जानी बर्गर ने जो सर्बिया के शतरंज खिलाड़ी थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम बर्गर सिस्टम रखा गया है। और लीग टूर्नामेंट दो प्रकार का होता है, सिंगल लीग और डबल लीग। और लीग टूर्नामेंट में फिक्स्चर डालने की विधियां हैं साइकिल, टेबुलर एंड स्टेयरकेस मेथड। नेक्स्ट है समाचार पत्र, टीवी, प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन है, तो ये जनसंपर्क के मुख्य साधन है। नेक्स्ट है विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताएं क्या कहलाती है, दोस्तों एक संस्था से दूसरे संस्था के बीच जो प्रतियोगिता आयोजित होती है उसको एक्स्ट्रा मुरल कहा जाता है, जबकि अपने ही संस्था के बीच चार दीवारी के अंदर जो प्रतियोगिता होती है उसको इंट्रा मुरल कहा जाता है। यहाँ पे एक संस्था से दूसरे संस्था के मध्य प्रतियोगिता आयोजित हो रही है तो यहाँ एक्स्ट्रा मुरल राइट होगा। नेक्स्ट है वॉलीबॉल के मैदान की माप क्या है, तो आप सबको पता है भेरी जी क्वेश्चन 18x9 मीटर होता है। नेक्स्ट है व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला क्या प्रभाव है, तो केवल श्वसन संस्थान पर पूछा है, ऐसा है तो सभी ऑप्शन सही है, मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव, इच्छा शक्ति भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है, बट केवल श्वसन संस्थान पर पूछा है तो क्या हो जाएगा, श्वसन क्रिया दर में कमी हो जाती है, यानी कि जब आप नॉर्मल कितना सांस लेते हैं 12 से 20 बार या 16 से 20 बार लेते हैं, बट आप जब कोई एक्टिविटी करते हैं तो 40 से 50 प्रति मिनट सांस लेते हैं, लेकिन जब आप प्रशिक्षित हो जाते हैं डेली बेसिस से व्यायाम करते करते तो आपका 8 से 10 बार श्वसन क्रिया करते हैं, यहाँ पे श्वसन क्रिया में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है, तो दोस्तों हड्डी का टूटना, दिल का दौरा, कैंसर, ये सभी संक्रामक रोग नहीं है, पोषक तत्वों की कमी से होता है। यहाँ पे वायरल बुखार जो है यह संक्रामक रोग है। नेक्स्ट दोस्तों बेरी बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है, तो विटामिन बी की कमी से होती है, बेरी बेरी यानी थायमिन की कमी से, विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमिन है। नेक्स्ट है संक्रामक रोग किसे कहते हैं, दोस्तों जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलता है उसे कहते हैं संक्रामक रोग।
नेक्स्ट है कोहनी या घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है दोस्तों, तो मैं आपको कई बार बताई हूँ कि जो हमारा कोहनी या घुटने की संधि होती है वो हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत वो होता है जो एक तल में गति होती है, जैसे दरवाजा एक तरफ खुलता है एक अक्ष में गति होती है। तो इसमें नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, आपका उंगलियों का जोड़ और निचले जबड़े का जोड़ राइट होगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो लोहा की आवश्यकता होती है, आयरन की दोस्तों, क्योंकि हीमोग्लोबिन हीम धन ग्लोबिन, ठीक है, तो हीम से तात्पर्य हो जाता है आयरन और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, तो आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन, और जिसको बनाने के लिए लोहे का आयरन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है किसी संस्था की चार दीवारी के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है, तो अपने ही संस्था के अंदर किसी एक संस्था के अंदर उसके चार दीवारी के अंदर जो प्रतियोगिता आयोजित होती है उसको इंट्रामुरल कहते हैं, और एक संस्था से दूसरे संस्था के बीच जो प्रतियोगिता आयोजित होती है उसे एक्स्ट्रामुरल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, आप सबको पता है दोस्तों 60 से 100 बार मिनिमम होता है, 60 से 80 बार, बट यहाँ पे 72 से 75 बार यहाँ पे राइट आंसर होगा। जैसे कि हमारा हृदय नॉर्मली 72 बार धड़कता है, बट जब हम कोई एक्सरसाइज या एक्टिविटी करते हैं उस कंडीशन में 180 प्रति मिनट धड़कता है, लेकिन जब हम प्रशिक्षित हो जाते हैं डेली बेसिस पे एक्सरसाइज या एक्टिविटी करते करते तो वहाँ पे हमारा 40 से 50 प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 59 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी डाउट होगा कमेंट कर जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।